नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, रांची महाविद्यालय भतरोज का। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है घाटे की वित्त व्यवस्था, फिस्कल डिफिसिट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटा। जब अर्थव्यवस्था में सरकार का व्यय अधिक हो जाता है और सरकार की आय या आगम कम पड़ जाए, तो इस प्रकार से आय और व्यय के बीच में एक प्रकार से गैप जनरेट होता है, जिसे हम घाटा कहते हैं। अर्थात सरकार का यदि व्यय 14 रुपए है और सरकार की आय मात्र 10 रुपए है, तो 4 रुपए घाटा। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जिन संसाधनों के माध्यम से आय जनरेट करती है, उसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। डेवलपिंग कंट्री में वास्तव में आय के स्रोत कम होते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्री में वास्तव में समस्याएं या सरकार के पास लक्ष्य अधिक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विकासशील देशों के पास वास्तव में इस प्रकार का घाटा अमूमन बात होती है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अतिरिक्त करेंसी को छापती है या दूसरे देशों से ऋण के रूप में प्राप्त करती है या आंतरिक बाजार से ऋण के रूप में उठाती है। इस प्रकार हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था या फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है कि सरकार के पास जब व्यय अधिक हो और आय कम हो, तो सरकार अन्य माध्यमों से, क्योंकि उसके पास कर द्वारा प्राप्त आय कम है, अतः अन्य माध्यम मुख्यतः दो होते हैं, या तो नई करेंसी को इशू करके या क्वाइंस एवं सिक्के चला करके, या सरकार ऋणों के माध्यम से इस घाटे को पूरा करती है या अपने एक्सपेंडिचर को आगे बढ़ाती है। इसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का कॉन्सेप्ट मुख्यतः कीन्सियन अर्थशास्त्र से आया। कीन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में लोगों को अतिरिक्त क्रय शक्ति दीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोग और निवेश की प्रक्रिया तेजी से संपन्न होगी, पॉजिटिव संपन्न होगी, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड कर ऊपर की ओर दाहिने शिफ्ट होगा, परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में मल्टीप्लायर काम करेगा। अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर काम करने से आय बढ़ेगी और आय पुनः मांग को जनरेट करेगी और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था का बड़ा व्यापक अर्थ लिया जाता है। लोग व्यय के बढ़ते दायित्व का निर्वहन करने के लिए सरकार को लोक आगम के विभिन्न उपायों को अपनाना पड़ता है। इस प्रकार हमारे पास जो भी हम इस घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करते हैं, ऋण प्राप्त करके एवं नई पत्र मुद्रा का निर्गमन करके, आइए हम कुछ परिभाषाओं पर भी विचार करते हैं। पश्चिमी देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को सम्मिलित करते हुए आय, जिसमें ऋणों की राशि को भी शामिल किया जाता है, से अधिक व्यय करने से है। प्रोफेसर सिन्हा द्वारा हीनार्थ प्रबंधन का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था से है, जिसके अनुसार आय और व्यय में घाटे की पूर्ति की जाती है। वास्तव में आजकल की के विकासशील देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था तकनीक का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था वास्तव में अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से या आर्थिक विकास के घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर लेविस, अनेक अर्थशास्त्री का अनेक मत है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि घाटे की वित्त व्यवस्था वास्तव में विकसित देशों के लिए ही अपनाई जाए, क्योंकि विकसित देशों के पास पूंजी की मात्रा अधिक होती है, यहां पर बचतें अधिक होती है, इनके पास संसाधन बहुत अधिक होते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप जब हम घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अचानक इकोनॉमिक मांग बढ़ जाती है। उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार के पास संसाधन होते हैं और उन संसाधनों के माध्यम से उस मांग को पूरा कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में स्फीति समस्या नहीं आती। यदि विकासशील देशों के संदर्भ में हम घाटे की वित्त व्यवस्था जैसी तकनीक को अपनाते हैं तो विकासशील देशों में वास्तव में पूंजी की मात्रा बहुत कम होती है, चाहे वो अर्थ चाहे वित्तीय संपत्तियों की बात कर लेते हैं, चाहे बैंकिंग पूंजी की बात कर लेते हैं, चाहे मशीनों की बात कर लेते हैं। यदि हम घाटे की वित्त व्यवस्था जैसी तकनीक को अपनाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप मांग में अचानक वृद्धि हो जाएगी, जिसको पूरा करने के लिए सरकार को काफी प्रयास करने पड़ेंगे। यदि सरकार या समाज या पूंजीपति वर्ग द्वारा इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य तेजी से बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था स्फीतिक अंतराल जैसे केस में फंस सकती है। इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि वास्तव में हीनार्थ प्रबंधन जैसे तकनीक एक देश को विकसित करने की प्रक्रिया में बहुत ही कारगर है, यदि उन देशों के पास रिजर्व के रूप में कुछ बचते पूंजी हो तो इसे अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में ये समस्याएं आ सकती हैं। आजकल हमने प्रचलन में ये देखा है कि घाटे का बजट बनाया जाता है। घाटे का बजट वास्तव में इसी कॉन्सेप्ट से आया। सबसे पहले सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसके परिणाम स्वरूप जितना आय हो सरकार को उससे कम व्यय किया जाए। परिणाम स्वरूप मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था मंदी में भी जा सकती है। दूसरा है संतुलित बजट वो बजट होता है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जितनी आय प्राप्त हो रही हो सरकार को, संसाधनों से जितनी आय प्राप्त हो रही हो उतना ही व्यय करे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। लेकिन आजकल विकासशील देश जैसे भारत जैसे देशों के संदर्भ में हम डेफिसिट बजट की बात करते हैं, घाटे के बजट बनाते हैं। इसके अंतर्गत सरकार अपना वार्षिक टारगेट इस प्रकार रखती है कि अर्थव्यवस्था में यदि आय कम हो तो व्यय अधिक करने का प्रयास करती है। इस प्रकार सरकार घाटे का बजट बनाती है ताकि अर्थव्यवस्था में स्फीतकारी प्रवृत्तियां दिखाई पड़े, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़े। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य एक डिजिट बढ़ता है, अर्थात 1 से लेकर 9 के बीच में रहता है, तो वास्तव में ऐसा स्फीत अर्थव्यवस्था को प्रेरित करता है, ना कि हानिकारक होता है। तो प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में 1 डिजिट सिंगल डिजिट मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है, इट इज दिस इन्फ्लेशन प्रमोट द इकोनॉमी। तो अगर हमारे घाटे का बजट बनता है और इस प्रकार घाटे का बजट अर्थव्यवस्था को मोटिवेट करता है, क्यों? क्योंकि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति प्रेरित होते हैं। जब पूंजीपति प्रेरित होंगे तो उसके परिणाम स्वरूप वो निवेश ज्यादा करेंगे, निवेश के साथ गुणक कार्य करेगा, उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी, ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि पुनः मांग को और अपग्रेड करेगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में घाटे का बजट काफी सार्थक सिद्ध होता है। वास्तव में हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था किसी देश के आर्थिक विकास के लिए काफी सहयोगात्मक है, लेकिन हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, मंदी काल के दुष्परिणामों को दूर करना। यदि आपकी अर्थव्यवस्था मंदी में फंस गई हो, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार गिरता जा रहा हो, पूंजीपतियों को लॉस हो रहा हो, लॉस के कारण पूंजीपति निवेश में कमी करेंगे, गुणक उल्टा कार्य करेगा, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है, लोगों को कम आय का सामना करना पड़ सकता है, उपभोग का स्तर कम होता जाएगा, निवेश का स्तर कम होगा, परिणाम स्वरूप बचत का स्तर कम होगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था बेरोजगारी और गरीबी के दलदल में फंस सकती है। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को वास्तव में हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से उभारा जा सकता है। सरकार को चाहिए कि अतिरिक्त मुद्रा, चाहे वो ऋण के रूप में, चाहे वो अतिरिक्त करेंसी छाप करके इकोनॉमी में सर्कुलेट कर दे, लोगों को दे दे। लेकिन याद रखें कि जो मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट की जाए
उन व्यक्तियों के पास जाए जिनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा हो, ना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, अर्थात जो अतिरिक्त मुद्रा हमने जनरेट किया है उन व्यक्तियों के पास जाए जिनका कंजप्शन नेचर अच्छा है, सपोज दैट लेबर, सपोज दैट गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के पास जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड एज अ सेविंग, वो सेविंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आउट ऑफ फ्लो इन द मनी, आउट ऑफ फ्लो हो जाएगा इकोनॉमी से। इस प्रकार के व्यक्तियों के पास अगर मनी जाएगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंप्रूव नहीं होगी। हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तव में इस प्रकार की मनी हम इकोनॉमी में कहां खर्च कर रहे हैं। जैसे मनरेगा पे आप खर्च कर दीजिए, वास्तव में सामाजिक रूप से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उन पे खर्च करिए, क्योंकि इनकी एक्सपेंडिचर प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है। जब इनकी एक्सपेंडिचर प्रोपेंसिटी ज्यादा होगी तो ये वास्तव में पैसा आते ही पैसे को खर्च करेंगे। तो जो मनी रिएक्शन टाइम है, जो एग्रीगेट रिएक्शन टाइम है, इकोनॉमी में तेजी से कार्य करेगा और इकोनॉमी रैपिडली ग्रो करने लगेगी। तो इस प्रकार यदि आपकी अर्थव्यवस्था मंदी में फंसी हुई है तो मंदी से उभारने के लिए वास्तव में ये हीनार्थ प्रबंधन एक बेस्ट टूल का काम करती है। सरकार वास्तव में हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग युद्ध काल में अचानक वित्त संकट का सामना करने के लिए भी करती है। सरकार अतिरिक्त करेंसी को इकोनॉमी में छाप लेती है और उसकी भरपाई वास्तव में एक्स्ट्रा टैक्सेशन के माध्यम से करती रहती है, लेकिन आपातकाल में जो उसको वित्तीय अनियमितता होती है उसका वह पूरा कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए अनुकूल माहौल नहीं है तो सरकार घाटे की वित्तीय व्यवस्था तकनीक को प्रयोग में ला सकती है। इसके माध्यम से सरकार पत्र मुद्रा का निर्गमन कर दे, मृत प्राय मुद्रा को ऋण स्वरूप प्राप्त करके चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वो मनी एक्टिव हो जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल निभाने लगेगी। इस प्रकार हमने देखा कि हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यदि इसका हम सही से प्रयोग करते हैं तो कोई भी देश मंदी से उभर सकता है या अचानक आपातकाल से भी निकला जा सकता है। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट कर लें, किस प्रकार डेल्टा जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण ये डेल्टा जी का मान, इट विल बी डिपेंड अपॉन हमने कितना डेप्ट मार्केट से उठाया, चाहे इंटरनल मार्केट हो चाहे एक्सटर्नल मार्केट हो, चाहे हमने विदेशों से ऋण के रूप में मुद्रा प्राप्त की हो या अपने घरेलू मार्केट से मुद्रा के रूप में प्राप्त की हो, या हमने अतिरिक्त करेंसी इकोनॉमी में छापी है और उसको मार्केट में डाला, उसके माध्यम से जो हम डेल्टा जी का मान प्राप्त करते हैं उसके परिणाम स्वरूप देखिए कि जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड लाइन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता था ई, और उससे नेशनल इनकम हमारी इंप्रूव करती है और हमारा इंप्लायबिलिटी भी इंप्रूव करेगी। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र में देख सकते हैं कि आधार अक्ष पर राष्ट्रीय आय को लिया गया है तथा लंब अक्ष पर सी प्लस आई प्लस जी को लिया गया है। यहां पर मान लीजिए प्रारंभिक संतुलन बिंदु हमारा ई है, यहां पर सी प्लस आई प्लस जी रेखा 45 संतुलन रेखा को ई वन बिंदु पर काटती है, अतः हमारे पास राष्ट्रीय आय ओ वाई वन हो जाती है। जब सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था जैसी पॉलिसी को अपना लेती है, इन्हें डेल्टा जी एक्सपेंडिचर को वो प्रमोट करते हैं, किसके द्वारा, या तो नई करेंसी इसमें छापी गई होगी या तो ऋण लिया गया होगा आंतरिक बाजार से या बाह्य बाजार से, तो डेल्टा जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने अपना बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास ये रेखा अपवर्ड स्विंग ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, हमें नया संतुलन पॉइंट ई में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेल्टा जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है, जबकि उसकी अपेक्षा वास्तव में नेशनल इनकम में डेल्टा वाई की वृद्धि हुई है, जो डेल्टा जी की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिस्कल डिफिसिट या डेफिसिट फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी कारगर सिद्ध होता है। धन्यवाद।